प्रेम शुक्ला जी जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डकैती डाल रही है, रॉबरी कर रही है ना। डकैती शब्द बीजेपी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई अब तो ये डकैती डालना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही है हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, बीजेपी अपने हिसाब से एनालिसिस कर रही है। देखिए, इन्होंने पहली बात कही मंगलसूत्र, भाई साहब जम्मू एवं कश्मीर में, कश्मीर की घाटी में मंगलसूत्र हिंदू महिलाओं का कट्टरपंथी मौलवियों से छिनवाने का कुकर्म कांग्रेस का ही था, और बहुत सारे मंगलसूत्र आपने छीने हैं, ये सत्य है, सबको पता है, भली भांति है। त्रिपाठी जी, 10,000 मराठी महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने का कुकर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू के निकम्मेपन के कारण हुआ था, जब 10,000 मराठियों की हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी के जी की हत्या एक मराठी व्यक्ति ने कर दी थी उसके कारण। तो आपने जो है इसी तरह 10,000 सिखों का नरसंहार हुआ तो बहुत सारी महिलाएं जो सिख समुदाय की थी उनके भी मंगलसूत्र आपने छीने थे, तो मंगलसूत्र छीनने का आपका इतिहास कोई नया नहीं है। अब जो है श्रीमान रत्नाकर जी, कृपा करके मुझे बताइए, क्या आपके पृष्ठ क्रमांक 6 और पृष्ठ क्रमांक 28 पे आपने जो है सर्वे कराकर, सोशल इकोनॉमिक सर्वे कराकर, जिसकी आबादी ज्यादा उसको वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात आपने की है कि नहीं की है? न्याय यात्रा में बारंबार श्रीमान राहुल गांधी ने वही बातें की है जिसको अब आगे बढ़ाने का काम स्वयं पित्रोदा सिर्फ विरासत कर की बात उसमें जोड़ रहे हैं, और 1953 से 1985 तक इस देश में इनहेरिटेंस टैक्स जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में लगा था कि नहीं लगा था, और उसी को वापस लाने की बात की जा रही कि नहीं की जा रही है? भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हम लोग तो कभी इनहेरिटेंस टैक्स हमारे संकल्प पत्र में नहीं रहा, हमारे मुख्य धारा के किसी नेता ने नहीं कहा, हाँ कहीं चर्चा विमर्श में आया होगा लेकिन उसको कभी स्वीकारा नहीं, और हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके विरोध में बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी के गुरु स्वयं पित्रोदा जो है कोई ऐसे व्यक्ति नहीं, राजीव गांधी के मित्र थे और टेक्नोलॉजी में उनके सलाहकार थे, और राहुल गांधी अभी भी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो अमेरिकी मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अभी भी कोई श्रीमान राहुल गांधी की तरफ से बयान नहीं आया है, और श्रीमान राहुल गांधी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात आबादी के अनुपात में कर ही रहे हैं और आपके घोषणा पत्र में है। और जहां तक आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं साहब, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी, उन्होंने कर्नाटक में अपने सारे मुसलमानों को आपने पिछड़ा वर्ग में डालने का कुकर्म किया है, यानी पिछड़ों के हक को जो है आप छीनना चाहते हैं। आपने पहले 2004 में आंध्र प्रदेश में ये काम किया था और उसको कालांतर में कोर्ट ने उसको रोक लगाई। मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट जो है वो यही कह रही थी कि आप जो है बैकवर्ड क्लास का 6% रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को देना चाह रहे थे, 15% SC ST का छीन लेना चाह रहे थे, और जो SC ST अगर धर्मांतरण कर ले तब भी उनको SC ST का लाभ मिलता रहे, यह प्रस्ताव भी आपने लाया था, ताकि जो है श्रीमती सोनिया गांधी जिस धर्मांतरण के लिए जिस मिशन के साथ आई थी वो मिशन और तेजी से चलाया जा सके। तो आपने इस देश में धर्मांतरण से लेकर मजहबी उन्माद करने वाली शक्तियों को जो पिछड़ों का अधिकार है उनके हाथ में देने का प्रयास आपने किया है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात आपके घोषणा पत्र में है, और इनहेरिटेंस टैक्स की बात जो है जो स्वयं पित्रोदा कर रहे हैं वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का विस्तार मात्र है। नहीं, मेरा तो अब ये मानना है कि रीना गुप्ता जी, और मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, रेणु मित्तल और पंकज शर्मा जी, मैं चाहता हूँ जरा उनको भी ले आइए, लेकिन मैं जरा ये जो अलायंस पार्टनर है विनीत जी, मैं आपके पास आऊँ भाटिया जी, उससे पहले मैं जरा आम आदमी पार्टी से भी समझना चाहता हूँ, वेयर इज आम आदमी पार्टी इन ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये बहुत, प्लीज वही विंडो रखिए, टॉप विंडो, थैंक यू शर्मा, डोंट ये आर्ट के साथ मत खेलो, थैंक यू रेणु जी, जरा ये रीना जी, ये प्लीज जरा मुझे समझाइए, रीना गुप्ता ऑफ द आम आदमी पार्टी, ये अब कांग्रेस पार्टी का ये नाइटमेरिश सिनिस्टर, ये जो डेंजरस प्लान्ड रॉबरी है, आप इसके साथ हैं? आप जाएंगी जनता के बीच और बोलेंगी कि कोई बात नहीं, जो कमाया है वो दे दो उसका 50%, क्योंकि सैम पित्रोदा ने कहा है, वो बहुत जानते हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, इसीलिए अमेरिका में रहने वालों को क्या ज्यादा मालूम होता है क्या हिंदुस्तानियों के बारे में? रीना जी, और आप समर्थन कर रही हैं ऐसी चीज का? ऐश्वर्या भाई, मैम जितने ऐश्वर्या भाई, आप एक निष्पक्ष एम्पायर हैं,
इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी तन्मयता से आपने प्रेम शुक्ला जी को सुना बिना रोके टोके, मुझे भी मौका मिलेगा दो मिनट बिना रोके टोके बोलने का। तो जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, मोदी जी के दोस्तों के अलावा पूरे देश में सब गरीब हुए हैं। पैसा बचा किसके पास है आप ये बताइए। आज की तारीख में आप किसान से बात करिए, किसान गरीब हुआ है, हर घंटे दो किसान आत्महत्या करते हैं। आप युवा से बात करिए, युवा बेरोजगार घूम रहा है, हर घंटे दो युवा आत्महत्या करते हैं। वो नौकरी मांगते हैं तो उनको बोला जाता है इजराइल चले जाओ नौकरी ढूंढने के लिए, रोज पेपर लीक होते हैं। गृहिणी जो है आपकी, वो गरीब हुई है क्योंकि आपने गैस सिलेंडर 400 से 1200 कर दिया। छोटा व्यापारी आपका, वो गरीब हुआ है क्योंकि आपने GST को मिसमैनेज किया। तो पैसा बचा किसके पास है? सिर्फ मोदी जी के 22 दोस्त, जो 22 लोग हैं, उनके पास उतना ही पैसा आज की तारीख में जितना कि देश की 70 करोड़ आबादी के पास है। तो अब हम सब थक गए हैं, मोदी जी हर समय कांग्रेस को कोसते रहते हैं। अब समय है अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने का कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। वो तो कुछ सुनने को नहीं मिलता, लेकिन आए दिन हर समय हिस्ट्री में चले जाते हैं। उनसे पूछिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, तो वो कहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय गलत है, इलेक्टोरल बॉन्ड तो ट्रांसपेरेंसी की स्कीम है। प्रेम जी को भी रखिए, बाडिया जी आ रहा हूं। अब तो पहले जो 2G के एलोकेशन में, 2G के एलोकेशन में जहां पे ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि क्विड प्रो को हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने दोस्तों को ही 5G का एलोकेशन देंगे। ये उसमें सर्वोच्च न्यायालय की बात मानने को भी तैयार नहीं है। तो पूरे देश को, तो 80 करोड़ जनता को तो आपने फ्री राशन की लाइन में खड़ा कर दिया है। हाँ। तो पैसा बचा किसके पास है? किसका पैसा आप रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पूरे देश को जब आपने गरीब कर दिया है तो किसका पैसा आप रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जहां तक बात रही आपके दोस्तों की, आपने उनको एयरपोर्ट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, उनको खदानें दे दी, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सब कुछ तो आपने उनको दे दिया। अगर आप कह रहे हैं कि उनसे पैसा लेके वापस इस देश के लोगों को दिया जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। ओके। लेकिन आज तक आपने जवाब नहीं दिया कि आपने देश के अपने जो दोस्त, ओके रीना जी, रीना जी, 16 लाख करोड़ माफ किया, उसका हिसाब कौन देगा? ओके रीना जी, ओके रीना जी, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन रीना जी, पॉइंट टेकन रीना जी, पॉइंट टेकन। ओपनिंग कमेंट्स अभी तक आधे लोग बोले नहीं है।